नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और चलिए बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में खतरे की घंटी बजा चुका है। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हो गए हैं। मुंबई में दो नए मामले मिलने के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरियंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 10 हो गई है। तो लगातार ओमिक्रॉन भारत में अपने पैर पसार रहा है। 23 मामले पूरे देश में इस वक्त सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 10 मामले सामने आ चुके हैं। दो नए मामले कल सामने आए हैं महाराष्ट्र से। कुछ और लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रिपोर्ट गई है और उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। दो नए मामले सामने आने से चिंता अब और भी बढ़ गई है और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये नया वेरियंट अब तीसरी लहर लेकर आएगा।